ये है रोड का स्मार्ट लव प्लस माइक, जो कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए सबसे बढ़िया और प्रोफेशनल माइक माना जाता है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर MRP है 7100 रुपीज़, लेकिन अमेज़ॉन से इसको मैंने परचेस किया है 6000 रुपीज़ में। इस माइक में आपको एक साल तक की वारंटी मिलती है, जिसके लिए आपको इसको रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर ये सीरियल नंबर है रजिस्टर करने के लिए, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि रजिस्टर कैसे करते हैं। ओपन करने पर इसमें आपको एक कवर मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर माइक और एक मैनुअल गाइड मिलती है। 5500 रुपीज़ में यहाँ पर हमें ये मिलता है, एक कवर, एक क्लिप और यहाँ पर रोड का ओरिजिनल माइक। इस माइक में सिर्फ 1 मीटर केबल मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना महंगा माइक और उसमें सिर्फ 1 मीटर का केबल लगाने की क्या ज़रूरत थी। 2 मीटर का केबल दे देते तो काम चल जाता। आप अलग से केबल परचेज कर सकते हैं, जो आपको मिलती है लगभग 1000 रुपीज़ में, और जिसे आप इसके साथ अटैच करके इसको काफ़ी लंबा कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लिप है जिसमें हमें इस माइक को अटैच करना है। माइक को अटैच करने के लिए पहले यहाँ पर हम इसका ये कैप उतारेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रेस करके माइक को इसमें इंसर्ट करेंगे। माइक को इंसर्ट करने के बाद अब आप इसका कैप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि नॉइस रिमूवल का काम करता है। तो अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगता है। आप इसको यहाँ पर कॉलर पर लगा सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कॉलर पर लगा सकते हैं, या आप इसको अंदर की साइड भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है, ताकि इसकी वारंटी को हासिल किया जा सके। यहाँ पर अभी जो वॉइस आप सुन रहे हैं और वीडियो के लास्ट तक आप वॉइस सुनेंगे, ये इसी रोड माइक से रिकॉर्ड हो रही है, जिसको मैंने अपने आईफोन से कनेक्ट किया हुआ है। रोड माइक को रजिस्टर करने के लिए यहाँ ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में यहाँ पर सर्च करेंगे रजिस्टर रोड माइक। रजिस्टर रोड माइक सर्च करते ही सबसे पहले जो वेबसाइट आती है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ये रोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आएंगे, यहाँ सबसे पहले अपना प्रोडक्ट चूज करेंगे। इसमें यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्मार्ट। स्मार्ट लिखते ही स्मार्ट लव प्लस आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर इस माइक की कुछ इमेजेस आ जाएंगी, जिससे आप पहचान सकते हैं यही है। और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना होगा। पैकेट पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है SNCL, इसके बाद 0445109, यही होता है सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। सीरियल नंबर डालते ही यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है, मतलब कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू स्मार्ट लव प्लस। यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 1 साल तक की वारंटी मिलती है। यहाँ पर डेट ऑफ परचेज चूज कर लेंगे, कब परचेज किया था। हमने आज ही परचेज किया है, तो यहाँ पर 2 जून चूज कर लेंगे। कैसे परचेज किया है, हम यहाँ पर ऑनलाइन चूज कर लेंगे। किस डीलर से आपने ये परचेज किया है, वो यहाँ पर आप डीलर का नाम डालेंगे। डीलर का नेम आपको यहाँ पैकेट पर मिलेगा। ऑनलाइन डिलीवरी पर आपको जो पैकेट दिया जाता है, उस पर लिखा हुआ आता है कि ये आइटम किसके द्वारा सेल किया गया है। तो यहाँ पर जो नेम है, यही डीलर है। यहाँ पर हम डीलर का नेम टाइप कर देंगे। यहाँ पर डीलर का नेम आ गया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको परचेज का कोई प्रूफ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम अपने पैकेट का फोटो अपलोड कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये सबमिट हो रहा है। यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चूज करेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर लोकेशन चूज करेंगे, इंडिया में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। नीचे आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब ये माइक मेरे नाम से रजिस्टर हो चुका है, जिसमें मुझे 1 साल की वारंटी मिल चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, कंग्रेचुलेशंस, यूर स्मार्ट लव प्लस इज नाउ रजिस्टर्ड। यहाँ पर हम अपने वारंटी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। अब अगर कभी भी आपके माइक में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप रोड के स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर ये वारंटी कार्ड दिखाएंगे और आपको वारंटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे माइक्स हैं। मेरे पास 3 बोया माइक्स हैं, जो कि सबसे बेस्ट माइक्स मैं मानता हूँ, क्योंकि ओनली 900 रुपीज़ में आपको एक बेस्ट माइक मिलता है, जिसमें आपको 20 फीट की एक केबल भी मिलती है। तो मार्केट में इस टाइम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माइक है बोया BY-M1। ज़्यादातर मैं इसका ही इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है H1। ये जूम का H1 माइक है, जिसे परचेज करने के बाद मैं काफ़ी पछता रहा हूँ। इस माइक को मैंने परचेज किया है 6000 रुपीज़ में, और इसकी वॉइस क्वालिटी इतनी बुरी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इससे 10 गुना बेटर क्वालिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। YouTube पर कई सारे लोगों ने इसके पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट माइक है, ये है वो है,
लेकिन यकीन मानिए इससे वाहियात माइक मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैंने अभी एक हफ्ते पहले परचेस किया है। हेलो गाइस, अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये मैं जूम H1n से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो जब से मैंने इस माइक को लिया है अभी तक किसी भी वीडियो में मैं इसकी ऑडियो को नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि इसकी ऑडियो ज़्यादा अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड मैंने कई बार की है वीडियोज़ में और मेरी वीडियोज़ ही ख़राब हुई है इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में, इसलिए आप यहाँ पर इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। ऐसी ऑडियो आती है इस 6000 रुपये के घटिया माइक से, जिसकी तारीफ सभी यूट्यूबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो अगर आपको कोई सलाह दे के जूम का H1 या H1n परचेज कर लो तो आप बिल्कुल परचेज मत करना क्योंकि ये बहुत ही बकवास माइक है। अगर आपको परचेज करना है तो आप यहाँ पर बोया BY-M1 जो कि 900 रुपीज में आता है ये परचेज करिए, या फिर आप रोड का माइक परचेज करिए स्मार्ट लव प्लस। हालांकि इसमें केबल छोटा है लेकिन आप एक एक्सटर्नल केबल लेकर इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसका प्राइस है 5500 रुपीज़। ये आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं।